हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चॉकलेट पॉपसिकल्स। पहले हम लेंगे कॉर्नफ्लोर, फिर हम लेंगे बिस्किट के क्रैश ओरियो के, फिर हम लेंगे मिल्क पाउडर एंड शुगर एंड हाफ ग्लास मिल्क। तो हमने गिलास से मिल्क डाल दिया है। अब हम इस कॉर्नफ्लोर को मिक्स करेंगे, वो भी अच्छे से। तो अपन अब डालते हैं अब हम इसको मिक्स करेंगे एकदम स्लोली एकदम अच्छे से, जैसा कोई लम्स नहीं आए। ग्लास के बाकी दूध को हम गरम कर लेंगे, फिर अपन डालेंगे उसमें। तो देखिए, अब हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे और शुगर डालेंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे, वो भी अच्छे से। तो अब हम इसमें मिलाएंगे कॉर्नफ्लोर का घोल, जब तक ये ठीक नहीं हो जाता, जब तक अपन इसको मिक्स करते रहेंगे। तो ये देख लिया, हमारा ये मिक्सचर एकदम पूरा की अच्छे से ठीक हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्न मतलब चॉकलेट का क्रश। देखिए, अब हम इसको अच्छी तरह घुमाएंगे। तो देखिए, अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो देखिए, पूरी तरह से मिक्सचर पूरा अच्छे से ठंडा हो चुका है। ये देखिए, मैंने एक आइस ट्रे ली है जिसमें अपन ये डालेंगे। तो देखिए, हमने इसको पूरा फिल कर लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा टैप करते हैं, पर उसके भी पहले मैं बोलती हूँ कि इसमें कोई बबल्स ना हो। तो अब हम इस फॉइल पेपर से इसको अच्छे से रैप कर लेंगे। तो देखिए, हमने इसको फॉइल पेपर से एकदम अच्छे से रैप करा है। उसके भी पहले आपको ये सोचना है, क्योंकि इसके अंदर आइस ना जाए, आपको दिमाग में रखनी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे स्टिक्स। देखिए, हम डालना शुरू कर रहे हैं। देखिए, अब हमने इसको सारे स्टिक डाल दिए। अब हम इसको फ्रीजर में 6-7 घंटे के लिए रख देंगे। तो देखिए, हमने इसको फ्रीजर से बाहर निकाल दिए। अब हम इसको मतलब निकालेंगे। तो देखिए, हमारे चॉकलेट पॉपसिकल्स तैयार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए बाय बाय। तो देखिए, हमने इसको फ्रीजर से बाहर निकाल दिए। अब हम इसको मतलब निकालेंगे। तो देखिए, हमारे चॉकलेट पॉपसिकल्स तैयार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए बाय बाय।